हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट्स। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका नाम है संजय कुमार। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे हम इसकी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रांच अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को और ये बता दूँ ये बी कॉम फर्स्ट ईयर का पार्ट है, ठीक है। मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट्स रिकॉर्ड द ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बिजनेस। जो ब्रांच अकाउंट्स होते हैं उसमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स का रखा जाता है। ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स में जो व्यापारिक लेन देन होता है आपका, उससे रिलेटेड जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, सेम बिजनेस सेम होगा, उनकी बस ब्रांचेस अलग होती हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ब्रांच अकाउंट में। वेदर सच ब्रांचेस आर सिचुएटेड इन द सेम टाउन और एट अदर टाउन्स इन इंडिया और अब्रॉड। जो आपका बिजनेस है अगर बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ठीक है हम इसकी और भी ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो आप उसका सेम टाउन में भी कर सकते हैं, एक शहर में कई सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, शहर से बाहर हो सकती हैं इंडिया में ही, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा सा ग्रोथ हो गया, पूरी इंडिया में अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस काम कर रहा है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। मीन्स उसकी जो ब्रांचेस हो सकती हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो सकती हैं, तो जिसे हम फॉरेन ब्रांच बोलते हैं, और हम उसके लिए भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें थोड़ी सी बात ये हो जाती है कि करेंसी का प्रॉब्लम आता है, हमें उसे एक्सचेंज करना होता है। इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर अकाउंट विच आर ओपन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है। सो जो भी आपका अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं आप हेड ऑफिस की बुक में भी और ब्रांच के बुक में भी, ठीक। रिलेटेड टू ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। और ये अकाउंट जो ब्रांचेस से रिलेटेड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट्स बोलते हैं। तो ऑल्सो इंक्लूड द फाइनल अकाउंट रिलेटेड टू देम। और ये जो है ये फाइनल अकाउंट से भी संबंधित होता है, जो फाइनल अकाउंट है वो भी इन सभी से संबंधित होता है, जिसमें फाइनल अकाउंट मीन्स जो आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमको उनका भी ट्रीटमेंट करना, उसके आधार पर ट्रीटमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंट की, कि क्या आवश्यकता है या क्या इसकी ज़रूरत पड़ी कि ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा, या इसके लिए क्या उद्देश्य निर्धारित होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट्स आर डिटरमाइंड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। सो ब्रांच अकाउंट का जो उद्देश्य होता है ना, तो जो बिज़नेस के ओनर हैं या जो मालिक हैं वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या उद्देश्य होना चाहिए। हमने ब्रांच क्यों हम इतनी सारी हमने फैलाई हुई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ब्रांच अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच कैन बी फाउंड आउट। ढेर सारी ब्रांचेस हैं, इट मीन्स उनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और ब्रांच अकाउंट क्यों प्रिपेयर करेंगे, ताकि वो जान सकें क्या अपनी हर एक ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रांचेस। हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रांचेस का मतलब जितनी भी ब्रांचेस उसमें जो भी कार्य हो रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप ईजिली क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, उसमें हेल्प हो जाती है। एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कैन बी फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजिशन है बिजनेस की, वो आप जान सकते हैं किसके आधार पर, जो भी आपका हेड ऑफिस या जो ब्रांच अकाउंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर जान सकते हैं। सो हेल्प हो जाती है ब्रांच अकाउंट के माध्यम से। ब्रांच रिक्वायरमेंट्स ऑफ गोड्स एंड कैश कैन बी एस्टिमेटेड। और जो भी आपकी ब्रांच की जो रिक्वायरमेंट है ना, कि उन्हें किस मात्रा में किस सामान की आवश्यकता है, कितना कैश चाहिए, आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं अपने ब्रांच अकाउंट्स के रिकॉर्ड की मदद से। सजेशन फॉर इंक्रीजिंग द इफ़िशेंसी ऑफ द ब्रांच कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच अकाउंट। और जो भी आपकी कार्य कुशलता, आपकी बिजनेस की जो कार्य कुशलता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांच अकाउंट के रिकॉर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं और उनको क्या कर कार्य कुशलता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। लास्ट है यहाँ पर, दे हेल्प इन कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अब किस तरह के कानून और नियम की आवश्यकता है आपके बिजनेस में, उन ब्रांचेस में जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इजी हो जाता है कि ब्रांच अकाउंट में जो डिटेल होती है, जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं आपके लिए, उनके बेसिस पर आप जान सकते हैं कि किन लॉ को फॉलो करना है, किन लॉ को फॉलो नहीं करना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद हो जाती है। मुझे यकीन है संजय कुमार जी आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आऊँ, क्योंकि थ्योरी थोड़ी और है और थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं थ्योरी डिस्कस करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊँगी। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।